गवर्नमेंट की कन्वीनर आ नर्सिंग एसोसीएशन की एंड अज असी यह स्ट्राइक इस करके कर रहे हैं कि सरकार पहले तो सानू टाइम ही नहीं सी दिंदी मीटिंग वास्ते बड़ी जदोजहद ना जदों असी तीन दिन स्ट्रोंगली बाहर निकले पेशेंट्स नू हरासमेंट होई और सरकार नू असी इहदे जिम्मेवार ठहराण दा पहले ही ऐलान कर दिता सी कि तुसीं जिम्मेवार होवोगे क्योंकि साडा एक प्रोफेशन बड़ा ही रिसपोंसीबल प्रोफेशन है असी इस रिसपोंसीबल प्रोफेशन तो कभी भी भजदे नहीं लेकिन जो सरकार साड़ी गल नहीं सुनती तो सानू बाहर आना पैंदा। तीन दिन वास्ते असी रैली की सीगी फिर सानू मीटिंग का टाइम मिलिया और तिना दिन तीन मीटिंग्स मिली हैं सर तीन मीटिंग्स तिना दिन उन्होंने सानू इस दिलासा दिता जो डिप्टी सीएम है उन्होंने दिलासा दिता कि तुसी ड्यूटियां ज्वाइन करो पेशेंट नू हरास ना करो तुहाडियां मंगां जिहड़ियां उन्होंने ध्यान दिता जा रहा मैं तुहाडे नाल वादा करदा वां कि पूरियां होणगियां। असीं ओह रैली जिहड़ी आ वापस लै लई असीं किन्ने दिन ड्यूटी की साड़ी कोई भी चीज़ पूरी नहीं हुई असीं पता किया साड़ी फाइल जिहड़ी है एज़ इट इज़ परसोनल डिपार्टमेंट विच पई है जिहदा मैनू मैसेज आया पटियाले तो कि मैडम जी साड़ी फाइल जिहड़ी है परसोनल च पई है नथिंग इज़ बिन डन ते कल डिप्टी सीएम जिहड़े आ ओह इत्थे आ रहे ने तीन मीटिंग्स तो बाद दी गल है ते उहनां नाल तुसीं डायरैक्टली अपने स्टाफ नूं लिजा के गल करो। मैं अपने स्टाफ नूं लै के उहनां दे घर पहुँची रेजीडेंस ते मैं डिप्टी सीएम नूं मिली डिप्टी सीएम नूं मैं पहले कहा कि साड़ी फाइल तो परसोनल च पई है तुसीं कीता ही कख नहीं जबकि असीं तुहानूं उदों कहा सी सानूं लिखती दे दो भी असीं स्ट्राइक वापस ले लईए तुसीं साडियां गल्लां मन्नोगे। उन्होंने कहा सी इह डिप्टी सीएम दी जुबान है इत्थे लिखती है इह ते कोई ओह नहीं है इह जो मैं कह रहा इह लिखती है लेकिन ओह लिखती जिहड़ा सब तो वड्डा धोखा साडे नाल डिप्टी सीएम ने कीता है। उन्होंने कहा भी तुहाडा जिहड़ा है काम हुंदा पिया उदन उन्होंने बिल्कुल इस गल ते रिस्पोंस ही नहीं दिता। सर एक होर इंपॉर्टेंट गल सुन लो मंशा भी दस दिनी आ जदों मैं उन्होंने रेड डेजिग्नेशन बारे पूछया उन्हों का की जवाब से कि कैबिनेट के विच इहनू कैंसल कर दिता गया वा। मेरी गल सुनो आ मुद्दा कैबिनेट च लैके जाण वाला मैनू तो हासा आउंदा वा इस जवाब तो भी यह मुद्दा जिहड़ा वा जिहदे ते कोई पैसा नहीं कोई वित्त दा भाग भार नहीं पैना वह भी मुद्दा जिहड़ा वा कैबिनेट के विच ले जा रहे ने ये कर की रहे ने मैनू तो यही समझ नहीं आती कि यह करन वाली गल है आ जिहड़ियां बाकी कैटेगरियां दा होया छेवें पे कमीशन च हो रहा वा नॉट एट ऑल एक डायरेक्टर और सैकटरी दे मतलब अकॉर्डिंगली हो रहा वा ये गलत गल्लां जिहड़ियां ने उन्हां वल्लों कीतियां जांदियां। मैं क्या जी एडा वड्डा धोखा तो वह भी अमृतसर के जिहड़े लोग उन्हां दे पिछे ने उन्हां नूं धोखा दे रहे ने उन्हां दे बारे च मैं अपनी मंशा की दसां तुसीं मेरी मंशा नूं आप ही पहचान सकदे हो। यह स्ट्राइक अनिश्चितकालीन तक रहेगी जब तक साडियां मंगां पूरियां नहीं होंदियां। भाई साहब सानूं 3200 स्केल साडे बच्चों नूं पिछे लै आंदा वा 4600 पे ग्रेड सी साडा नैक्सट पे ग्रेड 9300 बनता वा क्योंकि सरकार सानूं 6वां पे कमीशन इन रिटर्न दे चुकी है लेकिन हुण 7वें स्केल ते 7वें लैवल ते असीं जांदे आ जब तक सानूं 7वें लैवल ते नहीं भेजदी इदां ही चलूगा। जिहड़े साडे नवें बच्चे आए ने 2020-21 च उहनां नूं इहनां ने 7वां पे कमीशन दे के फिर उन्होंने 29,100 से पहुँचा दिता ये तो वड्डी बेवकूफी तो एड यस ऑफकोर्स 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 मेरा नाम पलविंदर कौर मैं गुरु नानक देव हॉस्पिटल स्टाफ नर्स की ड्यूटी करती हाँ। साडियां मंगा है कि मुख मंग साडी पे पैरिटी साडा ग्रेड पे 4600 तो घटा के 3200 कर दिता सरकार ने और जिहड़े नवे बच्चे आ उन्होंने सेंटर दे 7वें लैवल ते 7वें पे कमीशन में रख्या गया सी 4900 बेसिक पे जदों कि उन्हों की 5 महीने बाद तनखाह नूं कट करके 29,200 कर दिता गया उन्हों का लैवल 5वां कर दिता गया उन्हों का लैवल अं 7वां मंगते हैं साडी पे पैरिटी जिहड़ी आ बहाल की जाए सेंटर पैटर्न ते सानू अलाउंसेस दिते जान ते साडी डाइजिग्नेशन जिहड़ी आ ओह चेंज कीती जावे।
जो कि साड़िया गवांडी सूबे राजस्थान हरियाणा ईवन पंजाब दे विच भी ड्यूटी वालिया डाइजिग्नेशन जिहड़ा वा नर्सिंग ऑफिसर का दे दिता गया तो पंजाब वाले क्यों नहीं देंदे पे। असी बार बार मीटिंगा करके मंत्रियों नाल ऑफिसरां नाल थक चुके हैं, हुण थक हार के अं बार डेरा ला लिया क्योंकि बार बार मीटिंगा करने के बावजूद सरकार वादे तो भज जाती है ते हुण असीं सरकार नूं अपने तरीके नाल मनावांगे। जिन्ना चिर साढ़े को 700 मुलाजम आ सारा ही बाहर है, सारिया सेवावां बंद आ, ओटी एमरजेंसी सब कुछ बंद आ। उन्हां नूं असीं सरकार ही जिम्मेवार आ, असीं तां चाहुंदे नहीं आ साडी अज डिमांड पूरी कर दिण ते असीं अज उठ जांदे आ। धरना जिन्ना चिर डिमांड पूरियां नहीं हुंदियां धरना चलेगा क्योंकि साडियां डिमांड ज़्यादा फाइनैंशियल बोझ नहीं है। असीं पहलां ही 4600 लैंदे पए आ और कट जिहड़ा पहलां ही लैंदा पिया वह कट नहीं करा सकता क्योंकि 4600 सानूं 6वें पे कमीशन अनुसार पहले 2011 विच मिल चुका, 2006 च मिलिया, इन्हां ने फिर भी खिच धू के उन्हूं 11 च लागू किया जिहड़ा कि 2006 तो ही लागू होना चाहिए सीगा। नवा मुख्यमंत्री साडा लानजीत ही आ, लोकी ठीक कहिंदे आ उन्हूं, कोई वादे करदा वा पर पूरे नहीं करदा।